हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा बायजूस लर्निंग ऐप के यहाँ पर बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है रिसेंटली, उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है सब कुछ डिटेल में। तो पहले आपको क्या करना होगा, बायजूस के जो ऑफिशियल करियर पेज है उसको ओपन करना होगा। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि फास्ट यहाँ पे है एकेडमिक एंड कॉन्टेंट, उसके बाद है मीडिया, टेक, बिजनेस डेवलपमेंट, ब्रांड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशन, मेंटोरिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कुछ जो कि डिपार्टमेंट वाइज जो कि अलग कर दिया गया है, यहाँ पे जो जो जॉब है इसमें से आपको क्लिक करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है, आप इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्ट करके उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें से आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि मैं एक ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आपको जो कि अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे जिसको आप मैं ओपन कर चुका हूँ जॉब कैटेगरी जो कि कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे आपको क्रिएटिव कंटेंट राइटर, कंटेंट डेवलपमेंट, सोशल साइंस एंड कंटेंट मिग्रेशन एंड कंटेंट डेवलपर, कंटेंट डेवलपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर्ट्स, एकेडमिक फैकल्टी, कंटेंट डेवलपर एप्टीट्यूड, कंटेंट डेवलपर मैथ एंड साइंस, बेंगलोर ओनली। तो इस तरह से आपको बहुत सारे जो कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड कर दिया गया है जिसमें डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मीडिया जो कि डिपार्टमेंट मैं उसको ओपन कर चुका हूँ वहाँ पे, यहाँ पे उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साउंड डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइनर एंड ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल आर्टिस्ट एंड स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट, मीडिया VFX एंड कंपोस्टिंग आर्टिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से और भी जॉब जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, वन बाय वन जो कि आपको ओपन करके आपको वहाँ से देखना पड़ेगा कि कौन सा जॉब के लिए आप कंफर्टेबल हो एंड कौन सा जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक जॉब के ओपन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से इसका जो ऑफिशियल पेज में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ मीडिया में जो जो पोस्ट निकला है उसमें से एक पोस्ट को मैं आपके सामने यहाँ पे आप अप्लाई करके आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे साउंड डिज़ाइन एंड साउंड डिज़ाइनर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इस जॉब के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज दिया जाएगा, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिया जाएगा जिसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो उसके पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ इसका जॉब लोकेशन आपको रहेगा बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में, और जॉब टाइटल जो होगा आपको साउंड डिजाइन एंड साउंड डिज़ाइनर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ में क्लिक कर देना होगा। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस फॉर्म को दिया जाएगा आपको उस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड हाउ डू यू कम बाय दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप किस तरह से इस जॉब को जो कि आपके पास आया है तो आपको पता चला है, आपको यहाँ से उसको जो कि सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आर यू फ्रेशर और ऑन फ्रेशर टू दिस फील्ड आपको यहाँ पे वो करना होगा। तो आपको यहाँ पे फ्रेशर है तो आपको येस करना होगा, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जॉब रोल यू आर अप्लाई फॉर, तो आप कौन से रोल के लिए यहाँ पे जो कि जॉब डिपार्टमेंट है यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो CV या रिज्यूम जो है यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है हाउ यू एवर डाउनलोड एंड यूज़ बायजूस द लर्निंग ऐप, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो यहाँ पे जो बायजूस लर्निंग ऐप है आप
कभी डाउनलोड कर चुके हो, येस और नो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका स्किल एंड पोर्टफोलियो लिंक्स जो है यहाँ पे आपको अटैच करके आपको सबमिट कर देना होगा आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर सिलेक्टेड होता है, अगर सिलेक्ट होता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब जो कि सिलेक्शन होगा। इस तरह से जो कि बायजूस लर्निंग ऐप बा बायजूस जो कि लर्निंग इस कंपनी के थ्रू आप बहुत सारे जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आप जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, और इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।